तो भाई साहब अगर भाई कोई गलत काम कर रहे हैं समझान गए मुकदमा चल है थारे में जोर हुए भी कर लियो। पिछले दो तीन साल मतलब आश्रम की यार्ड के अंदर बहुत मतलब गलत काम होने लग रहे बेटा। वार्ड के अंदर मतलब दहशत को माहौल पैदा कर रखी है। चिट्टा तक का मतलब बड़ा काम होने लग रहा है। मैंने समझाता है बहुत दिन हो गया मैंने बारी बारी बुलेट का पटाखा बजाया गया। राम राम साहब मैं गिरिराज राव जलको हनुमानगढ़ देखने वाला दर्शक ने प्यार भरी राम राम। आज आप आ गए रावतसर तहसील के अंदर और रावतसर के अंदर एक अनोखी बात देखने मिलने लग रही है कि एक अनाथ और वृद्धा आश्रम है जगह के अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ा चलने लग रही है। सड़क के ऊपर है साधन बहुत ज़्यादा तेज चलाने लग रहे हैं। तो जगह एक नंबर वार्ड का निवासी जोधाड़ावास का जगह निवासी है बे अपन बताओगा सारो प्रकरण के है मामलों के है आप बात करा लोगों जानेगा मांगी समस्या और आज बे SDM कोर्ट के अंदर और जगह थाने के अंदर के मांगी प्रतियाँ देवेगा और के ज्ञापन की जगह बातें हैं सारी बात करेंगे आप लोगों आओ। राम राम भाई साहब क्या समस्या आने लग रही है जोधाड़ावास में एक नंबर वार्ड में अपने। देखो भाई साहब समस्या आ है कि भी महाराज का एक नंबर वार्ड का पार्षद साहब है रात ने कोई वारदात हुई है एक कोई है। समस्या जो बिंगो मतलब जो को अध्यक्ष है या बिंगो अनाथ आश्रम कोई भी है बिन समझान गया वहाँ के वहाँ बदतमीजी करी है। ठीक है हमारे वार्ड नंबर एक उपार्षद है तो भाई साहब अगर वह कोई गलत काम कर रहे हैं समझान गया है वहाँ वापिस कोई धमकी दी है बोले मैं तो यहीं रहूँगा यह काम यहीं चलेगा और थारम जो कोई है सिस्टम दम है थारम तो बंद करा दो। बाकी थे हमारा पार्षद साहब है हम पूछो हाँ सर क्या समस्या हुई है थे पार्षद बिल्कुल वार्ड नंबर जोधाबास वार्ड नंबर एक में पार्षद समस्या आने लग रही है अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम में क्या लगे समस्या साहब पिछले दो तीन साल मतलब आश्रम की आड़ के अंदर बहुत मतलब गलत काम होने लग रहे बेटा। हर तरीके का नशा प्रवृत्ति के लोग और क्रिमिनल टाइप के लोग बेटा मतलब आने जाने बेटा बेमतलबी मतलब वहाँ लोगों ने मैं बहुत बारी पाँच छः बारी मैं संचालक के बिना अवगत करवाने की कोशिश करी है तो बन के कोई नहीं आगू सुधार करा और बे मतलब जी का क्रिमिनल टाइप का बैठा लोग मतलब वारदात करे कभी बैठा मतलब गाड़ियाँ घुमावे कभी मोटरसाइकिल और मतलब आलतू फालतू तो बे आगे वे क्या मतलब मारे ऊपर क्या 27 मुकदमा आगे और चलने थे मारे के बिगाड़ लियो बेटा। इन तरीका के लोग मतलब बेटा एक सभ्य माहौल है बिल्कुल आज इतने सालों में बेटा सारा एक साथ एक भाईचारा इकट्ठा रहने लग रहे और वे माहौल खराब करने की कोशिश करने लग रहे। रात भी ताजा ही मैं मतलब दुकान जान लग रही हूँ तो बैठा मतलब मोड़ के अंदर बिन्नू कोई टिंगर कोई मोटरसाइकिल पता को नहीं कौन कोई कोबरा करके कड़ा के है और मतलब पूरा वार्ड के अंदर मतलब दहशत को माहौल पैदा कर रखी है। तो कौन है अब पता को नहीं कौन है के कोबरा है मतलब नाम ही पहली बार सुनी है हमारा तो काम ही को नहीं सारा के है चाहिए को थोड़ा चाहिए को चाहिए को के कवे चोरो वो कहो मैं तो यही करांगा थारो की जो मेरे पर 27 मुकदमा चल रहे हैं थारे में जोर हुए भी कर लियो मैं तो यही चलांगा यही तो वार्ड साहब मोल्ला ने बी टाइम मतलब वो क्या है कांग समझान खतर गया और हाथापाई के ऊपर उतर गया बे बिंग बाद में मैं बैठी हो मैं फिर वहां बात करी वो खुद संचालक है जी को बिंग बोल के कह वो कह के डांगा जोर हुआ तो डांगा जो पीसूंगा तो पीसो पिता लियो मैं तो कह जी बिगाड़ो तो बिगाड़ लियो क्या मैं तो दिन की जमानत पर फिर वापिस आ जाऊंगा। यही तरीका मतलब संचालक का बोल है खुद का मतलब कैमरा व्यवस्था कोई डर कौन लगा कोई डर नहीं है आखिर के अंदर मैं फिर कानून पे आप बढ़ावे हमारी अदालत और हमारी कानून है अब चेकिंग करिए मैं तो सुबह थाना हथियार ला दांगा। अच्छा मोहल्ले के बीच में चुराव हो रहे कि चारों पास रोड को अच्छा कोई आम आदमी बच्चों कोई सारा बैठेगा टप्पेगा साधन यहाँ करके ठाम दियो कह दियो कह कहते तो तू तेरी पिन कर ले जा यार आ चीज थे देखनी चाहो तो थे थारा नंबर दियो थान जी करे जब फोन कर देंगे फोटो खींच के भेज देंगे कभी यह गाड़ी आई सलाह करके ठमा देनी सलाह करके चल लो सब जी गाड़ी के तेज चलावे भाई जी के अंकल जी के गाड़ी तेज चलावे गाड़ी बहुत तेज चला है बहुत तेज परेशानी हो रही है परेशान पूरे बस माहौल बिगाड़ रखे वहां पूरे बस माहौल बिगाड़ रखे हर तरीके चिट्टा तक मतलब बड़ा काम होने लग रहा है मैं समझाता हूं बहुत दिन हो गया मैंने बारी बारी जाके समझे अब रात मतलब अति होगी खुद वो संचालक है बोले वो कहते बिगाड़ो तो बिगाड़ लिए लेकिन बिंग बाद में थाना में 3-4 बार फोन करियो नहीं तो थाना वाला बड़ गया फिर मैंने 15 मिनट को टाइम दियो पुलिस जावे है अनाथ आश्रम चलाने का अच्छा लोगों को पैसा भाई मांग मांग के ले आके ऐसा काम थोड़े थाने में थोड़ी पैसा लगाई करे भाई की आदमी को सामान की को मांग के ले 10 किलो कणक गाली है 5 किलो कणक गाली है अरे बे लड़की है नहीं जब आदमी तो कड़ा मिले नहीं मिले नसीब ने बन पतो है बन बे कोर्टा में कचेड़ी में लगावांगा कोई सिस्टम थोड़ी है कोई संविधान है क्यों भाई जी थे युवा हो के मानो थे बात के मां की समस्या दिखने लग रही है बैठा पे नशा ने एकदम सह दे रखी है मैं बकायदा बैठी हूं रात की के नाम थे बताओ लड़ाई जिसकी बात हुई मान मोटी अनाथ आश्रम का नेड़े तेड़े तो के बात हुई थे बड़े अंदर लड़ाई इतनी हुई कि बुलेट का पटाखा बजाया गया
किंग बात का मां मैं बंद आ जाके कई मैं उठे या गली के मां रात ने पटाका कौन बजास को कोई बच्चो सोवे और हुए तो नींद को नहीं समस्या थे मारा करन लाग रियो के मैं तो यही करांगा थर जी मौत मी अगर लियो डांग जोर रखांगा के मैं यही तो के रात ने प्रशासन आयो थर मां मार्कन पुलिस आ गया पुलिस आ के बात कही माने आ कही थे सुबह जियो अंगी एप्लीकेशन दियो मैं जांच कर प्रशासन थर सके हां प्रशासन आपको काम कर थाने के अंदर हर दिन एक दो मामला डेली आवे अरे समझा बुझाए बन बस घरे गाल दे वो सिस्टम चलन आ रियो इन खातर मैं डायरेक्ट एसडीएम साहब के नया और अंगी धमकी भी आन लाग रही है भी अगर कोई भी मारे खिलाफ आवाज उठाओगे भी पर की तरीके केस गाल सका मैं जान माल को भी नुकसान हो सके माने मतलब खोप है इन चीज को पूरा वार्ड के अंदर भी एक अद्धी किंग से किंग वारदात कर सके इन तरीका मतलब 40-40 मुकदमा 27-27 मुकदमा बे लोग बटान जानो है जीणो आराम कर रखे हमारा मेरे मतलब पूरा वार्ड को ठीक है। हां भाई जी अगर जे कोई इसी संस्था हो तो गांव मुबारा होनी चाहिए मैं संस्था चाहे नशा मुक्ति के अंदर हो चाहे नाथ आश्रम हो वृद्ध आश्रम हो इसी संस्था वार्ड के अंदर नहीं होनी चाहिए ये संस्था मैं बारे करवाणो चाहवा बिंग बाउद के मा ए जगह नशा प्रवृत्ति के इन रुकणो सो ठीक है। मैं एक ही बात कहणो चाहूं ठीक है चाहे बा किसी गैंग है चाहे वो किसी संस्था है मैं संस्था को सम्मान करा लेकिन मारे वार्ड को जो पार्षद है वो मारो गणमान्य आदमी है मैं भी सके बदतमीजी या मतलब भी सके कोई मतलब बदसुलूकी करेगा तो 1% ही बर्दाश्त कौन कराँगा और हमारी प्रशासन ने एसटीएम कोर्ट ने मैं मारी तरफ हूँ अब चेतान लाग रहा चेता तो ठीक है नहीं फिर मैं मारे हिसाब में कोई कार्रवाई कर ठीक है जो सही आदमी भी जीणो आराम कर रखे ठीक है। सबसे बड़ी बात आई है कोई जान ला रहा तो पिकअप ले गया साइड कौन दी गाड़ी वाले ने मारे कार में डिलीवरी होने वाली बीन नहीं है बे ले के जाओ साइड कौन दिया फिर बात वाले तेरे पट्टे से पटले यार जा करवा दी ये बात है मैं कहने लाग रहा था ने नहीं करेगा तो फिर डेढ़ एक महीने पहला आया गाड़ी लेके जान लगे लाइट नीचे करो क्या लाइट नीचे करा को बात मारने ने भी पड़िया मैंने कहा तू नीचे उतर गाड़ी में तो गाड़ी ही चला छिंग बाद में हॉस्पिटल छोड़ के वापस आयो फिर अनाथ आश्रम गया फिर गलत बोलिया बाबू सा गया सा गांग सा भी गलत बोलिया कि मैं तो यही कर सियाँ फिर अब तो समझा दिया हमारे पर कह सकना लग रहे थे पट्टी दे पट लियो और वो कर लियो कह मैं तो यही देख सियाँ यही फिर सियाँ ना कभी साइड दी ना कि नहीं कह अंकल जी के कहवा थे पहला तुम्हारी बड़ी बहुत भारी खुशी हुई अपन दान पुन करने वास्ते खटे कौन जाना पड़ा मोहल्ले में बहुत बढ़िया काम हो गया तरबूज है कभी की लेके जानता कभी की लेके जानता अब तो मानी यहाँ दूरी होगी गली कौन टपसका में भी मान डर लगा कभी उसका कोई अपने गल में गल जे को धंधो करने वाला आदमी आ दुकानदारी करने वाला आदमी आ अच्छा बठे थोड़ी सी गया खेंचो तानी ज्यादा मचा रखी है सुबह नाइट के अंदर 11 बजे तक डेली डीजे चलेगा डीजे में नाचे 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 भाई 15 छोरा रहे बटे दारू पीड़ा नसो करेड़ा की नहीं बुलेट है की नहीं गाड़ी है की तो परचून की दुकान है बटे दूध की डेयरी है ठेके का बटी एक बिंग मां जगह वृद्ध आश्रम में नहीं बे लोग बकनो बे मजदूरी करवान लाग रहे जगह बिंग मां रहे जगह का लोग बन पीसा दे का ही सेवा करे भी वो बहुत चज्जो लगा रखे है बे ऊपर छात पर है? मैं खुद देखे है मैं सामने दूध की डेयरी है मैं डेली दूध लेके जाऊं सुबह शाम ठीक है मेरा बच्चा 14-15 साल को बन आप खुद के में नागे का पापा बैठा जी का बिदरास में आदमी रहे नहीं वहां को नुबे तकारी करवावा फिर मैं खुद आपने आंख हूं देख गया हूं मैं खुद और थारे क्षेत्र के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर कोई इसी और घटना होने लग रही है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में थर रहे जो बिल्कुल दया थे कि भाई के प्रकार की घटना होने लग रही है थारी कोई बात है कोई समस्या है तो भी स्क्रीन पर दिखाया गया नंबर पर दे फोन करके मानस संपर्क कर सको मैं थारे बिल्कुल थारी बात उठावांगा मुद्दों उठावांगा कोई बात होगी थारी लोगों में रखांगा धन्यवाद।